हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फॉर द रियल वैल्यू एक्स एंड वाई, डज द इंटीग्रल एक्स टू वाई सिक्स माइनस टी स्क्वायर डी टी अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ये हमारे पास फ्रेंड्स ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो पहले हमें इसका इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होगा। तो इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास x टू y और ये हो गया सिक्स माइनस टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा सिक्स टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन टू माइनस टी क्यू अपॉन थ्री और ये हो गया x टू y। ये हो गया। तो अब हमारे पास यहां से फ्रेंड्स हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं या पहले हम एलसीएम ले लें। तो एलसीएम ले लें तो हमारे पास एलसीएम लेने पे आ जाएगा हमारे पास सिक्स एलसीएम आएगा तो वन अपॉन सिक्स बाहर आ जाएगा। अब या एलसीएम ले या हम कहेंगे सिक्स का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक ही बात होगी। तो ये हो गया वन अपॉन सिक्स बाहर आ गया थर्टी सिक्स टी माइनस थ्री टी स्क्वायर माइनस टू टी क्यू एक्स टू वाई। अब लिमिट अप्लाई करते तो वन अपॉन सिक्स ये हो जाएगा हमारे पास 36 वाई माइनस एक्स माइनस थ्री, ये हो गया हमारे पास वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस टू वाई क्यू माइनस एक्स क्यू, ये हो गया हमारे पास। अब फिर से इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम। तो इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएट क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं तो वो निकालने के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। हमारे पास डिफ्रेंशिएशन में आ जाएगा, अगर देखें तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालना चाहें तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स हम डायरेक्टली यहां से भी निकाल सकते थे फ्रेंड्स। यहां से हम डिफ्रेंशिएट करके जो हमारे पास एक मेथड होता था कि जो फंक्शन है उसी का हमें डिफ्रेंशिएशन करना होता था, ये हमारे पास हो गया। तो वो मैंने एक वीडियो में बताया, इस वीडियो में बता देता हूं मैं। हमारे पास अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है बेसिकली, अगर डी ओवर डी टी ऑफ एफ सॉरी इंटीग्रेशन एक्स टू वाई एफ एस डी एस, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो अगर इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर इसको करना चाहते हैं तो इसको इस तरह से करते हैं, हम एफ ऑफ टी डॉट डी वाई अपॉन डी टी माइनस एफ ऑफ टी डी एक्स अपॉन डी टी, जहां पे वाई और एक्स जो है वो टी के फंक्शन होते हैं। तो इस कंडीशन से भी हम इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर सकते थे। अब यहां पे आके हम डिफ्रेंशिएट करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन सिक्स सॉरी पहले हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स देख रहे हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अब डेल एफ अपॉन डेल एक्स देख रहे हो, इसमें और इसमें क्या अंतर होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे हमारे पास डी ओवर डी टी कर रहे थे, यानी कि एक्स और वाई दोनों फंक्शन थे। यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते तो हम वाई को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट कराते हैं, तब हो जाता हमारे पास। ये हो गया हमारे पास, यहां से देखे तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इसको कर रहे हैं हम, तो ये माइनस 36 प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस इसकी वजह से ये तो हमारे पास जीरो हो जाएगा, इसका करेंगे तो माइनस 2x आएगा और इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा 6x और जब इसका करेंगे तो प्लस 6x स्क्वायर। अब 6 कॉमन ले लेंगे हम यहां से, 6 कॉमन लेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू जीरो, इसको लिख सकते हैं हम x प्लस टू सॉरी x प्लस थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो x बराबर माइनस थ्री एंड टू, ये दो वैल्यू आ चुकी हैं। अब सिमिलरली हम जब y के लिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास y के लिए करेंगे तो डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास वन अपॉन सिक्स, इसको करेंगे तो 36 माइनस सिक्स वाई माइनस सिक्स वाई स्क्वायर। अब हमें इसको जीरो के इक्वल पुट करना होगा क्योंकि डेल एफ अपॉन डेल वाई दोनों को जीरो के इक्वल पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहां से वाई की वैल्यू सिमिलरली इस तरह से करेंगे तो वो भी माइनस थ्री एंड टू आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स ऐसे पॉइंट्स जहां पे
डेल एफ अपॉन डेल एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई जीरो हो रहे हैं, वो हमारे पास पॉइंट आ गए। इसको मिटा सकते हैं, ये हो जाएगा, ये हमारे पास जो पॉइंट आए वो आ गए हमारे पास। अगर देखो तो माइनस थ्री एंड माइनस थ्री टू, टू माइनस थ्री एंड टू टू, जो कि हमारे पास ऑप्शन में चार पॉइंट दिए हुए थे, ये चार पॉइंट जो है क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब फ्रेंड्स अब हमें निकालना है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो ये निकालते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहां से निकालते हैं यहां से, क्योंकि सेम ही है ये फंक्शन, ये हो जाएगा हमारे पास टू एक्स प्लस वन, इसका करेगा टू एक्स और इसका प्लस वन और माइनस इसका जीरो हो जाएगा, और डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहां से निकालते हैं यहां से निकालेंगे तो वो भी टर्म इसी तरह से आएगी, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी, माइनस का साइन बाहर आएगा और टू बाई प्लस वन, क्योंकि बेसिकली अगर देखें तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ माइनस का अंतर है, अगर इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेम इसी तरह की क्वेश्चन बन जाती है बाय फिट, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू, आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर पहले हमारे पास क्या चाहिए, लेस देन जीरो चेक करते हैं, आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन सॉरी ग्रेटर देन जीरो हमारे पास चाहिए, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, तो उस कंडीशन में क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर देखते हैं यहां से आर टी और एस स्क्वायर चाहिए हमें, जो एस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो अगर यहां से देखेंगे तो ये फंक्शन ओनली एक्स का है तो ये जीरो हो जाएगा, तो हमें बेसिकली हमारे पास आर टी है, बस आर टी जो है आर टी बराबर क्या है हमारे पास, ये रहा हमारे पास आर टी सॉरी आर टी टू एक्स प्लस वन, ये टू एक्स प्लस वन एंड साथ में माइनस का साइन आएगी उस साइन की वजह से टू बाई प्लस वन, ये हमारे पास आर टी है। इसकी जरूरत पड़ी फ्रेंड्स, इसको हम नहीं मिटा रहे हैं। अब देखते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर कितनों नंबर्स कितने नंबर्स पे ग्रेटर देन जीरो मिलता है, टू एक्स प्लस वन माइनस का साइन बाहर टू वाई प्लस वन, ये कितने नंबर्स पे जीरो मिलता है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स थे इसके वो हमारे पास जो ऑप्शन में दिए थे वही थे, जो थे हमारे पास माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री टू 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 एंड टू माइनस थ्री, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स थे फ्रेंड्स। हाँ तो ये हो गए हमारे पास। अब यहां से अगर हम देखें तो माइनस थ्री अगर वैल्यू पुट करते हैं तो यहां पे ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी इस पॉइंट पे, यानी एट माइनस थ्री, क्योंकि ये वैल्यू जो है नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मतलब नेगेटिव आएगी फ्रेंड्स लेस देन जीरो, तो यहाँ पे हमारे पास ना तो मैक्सिमम एडजस्ट करेगा ना मिनिमम एडजस्ट करेगा, ये हो गया हमारे पास। अब माइनस थ्री एंड टू पे देखते हैं तो माइनस थ्री पे ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ये पॉजिटिव रहेगी और नेगेटिव, तो ये ग्रेटर देन जीरो। इसी तरह से टू एंड टू पे देखते हैं तो वहां पे भी लेस देन जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो जीरो। और टू माइनस थ्री पे देखते हैं तो ये हमारे पास लेस देन जीरो आ जाएगा। अब फ्रेंड्स ये था हमारे पास। अब हम देखते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो था वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, बेसिकली इस पे वैल्यू देखते हैं। अब इस पे अगर वैल्यू देखते हैं इन दो पॉइंट्स की देखनी होती है हमें, इसकी और जहां पे ग्रेटर देन जीरो था यानी इसकी, पर यहां पे देखने से कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि यहां पे भी फंक्शन जीरो है और यहां पे भी वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाई होंगी और जीरो होगा क्योंकि ये रूट से ही बने थे, तो ये हमारे पास यहां पे चेक करने से ये यहां से हम ये नहीं निकाल सकते कि हम मैक्सिमम है मिनिमम है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं फंक्शन लेते हैं और फंक्शन में वो वैल्यू पुट करते हैं। फंक्शन क्या था हमारे पास, एफ एक्स वाई जो बना था वो था हमारे पास वन अपॉन सिक्स
36 y माइनस एक्स माइनस 3 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ये वैल्यू जब इसमें पुट करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे पास जब इसमें जब हम माइनस 3 एंड 2 पुट करते हैं